हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है कि आपको ट्वेल्थ के बाद क्यों CUET करना चाहिए, क्या ये मैंडेटरी है CUET, तो उसके बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। मान लीजिए आप अगर ट्वेल्थ में हैं, अभी आप ट्वेल्थ में हैं, इस बार ट्वेल्थ में गए हैं। मैं चर्चा कर रहा हूँ CUET 2023 कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट 2023 की बात कर रहा हूँ, 2022 की बात नहीं कर रहा हूँ। 22 का एग्ज़ाम जस्ट आने वाला है, कुछ ही दिनों में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, बट मैं अभी एक लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा हूँ CUET 2023, जो आपकी प्रिपरेशन अब कराई जाएगी इस चैनल पर। आप यहाँ से प्रिपेयर भी हो सकते हैं और अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि आपको ट्वेल्थ के बाद क्यों मैंडेटरी हो गया है CUET का, क्या आप अगर CUET नहीं देंगे तो उसमें एडमिशन नहीं प्राप्त कर सकते। बिल्कुल, अगर आपको सिंपल समझिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपको पढ़ना है तो आपको CUET देना पड़ेगा, ऐसा गाइडलाइन जारी किया गया है। मैं UG की बात कर रहा हूँ, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात करो, हालांकि कई ऐसी यूनिवर्सिटी लागू कर दी है PG के लिए भी, बट कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अभी भी लागू नहीं की है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए भी। पिछली बार लागू नहीं थी, मतलब 2022 के सत्र जो अभी चल रहा है, जो भी पेपर होने वाला है, इस बार नहीं की थी, बट इस बार आ जाएंगी जो भी नहीं की थी। ऐसे धीरे धीरे ही अपडेट होती रहेंगे। जैसे अगर आप अगर देख लो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही, तो ये अपना UG प्रोग्राम के लिए तो ऐड हो गई है, बट अभी PG प्रोग्राम के लिए CUET में ऐड नहीं हुई है। अब ये जल्द ये नहीं इस बार हुई तो अगली बार हो जाएगी, होना तो तय है। CUET अब UG के लिए भी, PG के लिए भी ये आ गई है। अब बच्चों के दिमाग में बना है कि क्या ट्वेल्थ के बाद CUET करना चाहिए, तो आप ये समझिए, क्योंकि अगर आप ट्वेल्थ के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना चाहते हो, आप किसी नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, फिर तो आपका एडमिशन हो जाता हो, क्योंकि उसमें कोई भी इंट्रेंस नहीं होता है। आपको एक नॉर्मल कोई भी कॉलेज मिल जाता है, उसमें उतनी अच्छी पढ़ाई भी नहीं होती, आप सभी जानते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन पाना है, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी भी इसमें शामिल हो रही है, मतलब जरूरी नहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही, इसमें आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपकी कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी एंड कुछ आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी भी कुछ अमाउंट में शामिल हो रही है। आगे आने वाले समय में जो अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, वो भी CUET के अंतर्गत वो अपना इंटरेस्ट लेने लगेंगे। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज भी होती थी, वो भी अपना अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, बट अब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ साथ स्टेट यूनिवर्सिटी भी CUET से ही एडमिशन लेना स्टार्ट कर देगा। CUET कंडक्ट करवाता है NTA, जिसे हम बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और यही कंडक्ट करवाता है NTA भी आपका, IIT का भी कंडक्ट करवाता है, IIT JEE हो गया, IIT JAM हो गया, NTA ही कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इसके बारे में मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या आपको CUET के भी लिए प्लान करना चाहिए, बैकअप प्लान रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए, वो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक वो हमारा नहीं है, नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, इसके बारे में भी हम आगे बता देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है कि ट्वेल्थ के बाद क्यों मैंडेटरी है CUET करने के लिए। देखो, ट्वेल्थ आप तीन प्रकार से करते हो, समझिएगा ध्यान से, एक एक पॉइंट मैं समझाऊंगा। ट्वेल्थ आप हो सकता है साइंस ग्रुप से कर रहे हो, साइंस ग्रुप से हो सकता है, आप आर्ट से फैकल्टी में जाना चाहते हो, या फिर आप कॉमर्स से हो, ठीक है, कॉमर्स से हो। अब तीन कैटेगरी में डिवाइड हो गया, सबसे पहली बात साइंस, आर्ट एंड कॉमर्स। अगर मान लीजिए आप साइंस में हो, साइंस का कोई भी, चाहे आप मैथ ग्रुप ले लो, चाहे आप बायो ग्रुप ले लो, चाहे बायो ग्रुप, अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, जैसे आप अगर साइंस ग्रुप से हो, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, तो आप नॉर्मल क्या करोगे, BSc करोगे ग्रेजुएशन के लिए। आर्ट फैकल्टी में हो तो आप क्या करोगे, BA करोगे, कॉमर्स भी आप जानते हो, तो मतलब सभी के पॉइंट्स अलग अलग दिए गए हैं।
अब कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर साइंस में एडमिशन आपको देगी तो वो क्यों देगी, आपको CUET पास आउट होना चाहिए। अगर आप मैथ ग्रुप से जाना चाहते हो तो आपको जैसे सिर्फ मैथ में ही स्पेसिफिक कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है कि मैथ ऑनर्स से देती है, तो वो क्या लेगी, सिर्फ और सिर्फ मैथ के सब्जेक्ट में आप क्वालिफाई होगे फिर भी वो ले लेगी। मैथ एटलीस्ट दो चुनना होता है, तो मैथ या फिजिक्स वो कॉम्बिनेशन बनाएगा। मैथ फिजिक्स में आपको क्वालिफाई होने चाहिए तो आप मैथ ऑनर्स कर सकते हो, मैथ फिजिक्स में आप क्वालिफाई होंगे तो आप फिजिक्स ऑनर्स से कर सकते हैं, या अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों से करना चाहते हैं तो आपको तीनों के एग्जाम्स देने पड़ेंगे। ये किस शिफ्ट में होता है, इसमें आपको 6 पेपर चुनने होते हैं जिसमें से एटलीस्ट 2 का पेपर एक शिफ्ट में होता है, तो वो सभी पेपर के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। पहले एक आपको डिस्कस इस पर करना है कि हमें CUET करना है या नहीं करना है। अब आपकी इच्छा हो या ना हो, बट आपको अगर पढ़ना है तो CUET करना पड़ेगा। पहली बार ये गाइडलाइन नहीं जारी हुई है। अब आपको ये समझना होगा कि अगर आप साइंस ग्रुप से हो, मैथ लिया है, तो मैथ के सब्जेक्ट्स में आपको CUET देना पड़ेगा, बायो के सब्जेक्ट में भी आपको CUET देना होगा, तभी आप यहां से BSc कर सकते हो, तभी आप यहां से बायो ग्रुप में भी BSc कर सकते हो। इवन कई ऐसी यूनिवर्सिटीज भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बीटेक भी कराती हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीटेक भी करा रही है, फिर भी इन सब्जेक्ट्स में अगर आप क्वालिफाई हो तो आप बीटेक में भी एडमिशन ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि अगर आपका मान लीजिए JEE में नहीं भी हुआ फिर भी आप कर सकते हो। इसलिए मैंने इसको छोड़ा हुआ है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी पर होगा। तो मैं ये बात कर रहा था कि अगर मान लीजिए आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स को करना है, किसी भी कोर्स को, तो आपको उसके द्वारा दिए गए कोर्स में एंट्री करना पड़ेगा, उसमें क्वालिफिकेशन रखना पड़ेगा। आपने मान लो 12th पास आउट किया साइंस ग्रुप से आपने 12th पास आउट कर लिया। अब आप आर्ट में जाना चाहते हो, BA करना चाहते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, फिर आपको आर्ट के सब्जेक्ट्स होंगे उसमें आपको CUET देना पड़ेगा। अब आर्ट्स के सब्जेक्ट जैसे आप हिंदी ले लो, आप इंग्लिश ले लो, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, PHY, तो इट्सेट्रा, इकोनॉमिक्स हो गया, तो अलग अलग जितने भी आपके सब्जेक्ट, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं इसमें। मान लो आपको इंग्लिश से BA करना है इंग्लिश से, तो इंग्लिश से नॉर्मल होता नहीं, कुछ तीन चुनने पड़ते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी और हिस्ट्री हमने चुन लिया, तीन सब्जेक्ट। तो आपको इन तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको CUET में पास आउट अगर रहेंगे तभी आप इन सब्जेक्ट से BA कर पाएंगे। उसमें जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वो दिखाएगा कि अगर आप इन सब्जेक्ट से करो तो इन सब्जेक्ट्स में आप CUET दिए हो या नहीं दिए हो। CUET वाइड फील्ड है, उनमें आपको चुनना है कि हमें करना क्या एग्जैक्टली, तब उसके अनुसार हम CUET दे सकते हैं। हालांकि CUET का एक पेपर नहीं होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, CUET का एक पेपर नहीं होगा, CUET के कई पेपर होंगे, जैसे आपका फिजिक्स से भी रिलेटेड यहाँ से भी होगा। मान लो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री का दे दिए, आपको मैथ के भी दे रहे हैं तो मैथ के भी पेपर दीजिए। आप चाहे चार पेपर दे दो, यहाँ पर मान लो साइंस ग्रुप के भी पेपर दे दिए। अगर आपको ये समझ में आता है कि अगर मान लो साइंस ग्रुप में हमारा नहीं भी हुआ तो हम जा सकते हैं आर्ट में, इसके भी आप पेपर दे सकते हो, इसके पेपर डिफरेंट टाइम में होंगे तो वो भी आप पेपर दे सकते हो। हालांकि आपने हिंदी पढ़ी है 12th में, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बिल्कुल पढ़े हो। इंग्लिश भी आपने पढ़ रखा है, हिस्ट्री भी आपने पढ़ रखा है, हिस्ट्री आपने नहीं पढ़ा होगा, बिकॉज ये आर्ट में आ जाता है, बट हिंदी इंग्लिश तो पढ़े हो ऑलरेडी ना, इसके दोनों के एग्जाम तो दे सकते हो अगर आपकी इच्छा कहे तो। ऐसे ही कॉमर्स में भी है। तो आपको क्या करना है कि आप अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, मैं बात समझा रहा हूँ कि अगर आप नॉर्मल study in Central University, you must be qualified
सीयूईटी। अगर आप सीयूईटी नहीं दोगे तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते, बात साफ है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको क्लास ट्वेल्थ के बाद सीयूईटी अभी से प्लान बना कर रखना चाहिए। ये मत सोचो कि अभी हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उसके बाद हम सीयूईटी की तैयारी कर लेंगे। मेरे अनुसार कि ट्वेल्थ के साथ साथ सीयूईटी की तैयारी करो, और वो तैयारी भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर कराई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन हो वो रुकनी नहीं चाहिए। हालांकि ये जो आपका प्लेटफॉर्म है यहाँ पर बीएससी की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। पहले आपका एडमिशन तो अच्छी जगह हो जाए, बीएससी तो हम लोग करा ही रहे हैं, आपको अच्छा सा अच्छा नॉलेज प्राप्त करवाएंगे, बट हम लोग चाहते हैं आपका अच्छी जगह पर आप सेलेक्ट भी हो, ताकि आप कहीं अच्छे जगह से करो, आप अच्छे वहाँ पर पढ़ाई कर सको, अच्छे से आप प्रैक्टिकल कर सको, ये चीज़ होती है। तो आपके ने समझ लिया ना कि अगर आपको ट्वेल्थ पास करने के बाद कुछ भी करना है, अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना है तो आपको सीयूईटी देना पड़ेगा। कुछ भी करना है, जरूरी नहीं है कि मुझे फिजिक्स ऑनर से ही बीएससी करनी है, कुछ भी करना है सीयूईटी देना पड़ेगा। बीएससी के बाद भी माना हम एक छोटा सा कोर्स लेकर चल रहे हैं बीएससी या फिर बीए, कुछ भी मान लो बीए बीएससी के बाद भी अगर आपको एमए या एमएससी करना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, फिर भी आपको सीयूईटी देना पड़ेगा पीजी लेवल पर। यहाँ पर जो आपके पेपर होते हैं ये इसी से रिलेटेड नहीं होते, इसमें तीन शिफ्ट में होते हैं, लैंग्वेज टेस्ट होता है, जनरल टेस्ट होता है, और साथ साथ आपका डोमेन टेस्ट होता है। तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कितने प्रकार के आपके एग्जाम्स होते हैं और कौन कौन से एग्जाम आपको देने होंगे, कौन कौन से ऑप्शनल होते हैं, कितने भाषाओं में एग्जाम होते हैं, और कितनी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इसमें क्वालिफाइड, जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो 45 यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो वो सब जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे अगली वीडियो हम जल्द से लेकर आएँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें हम आपको समझा पा रहे होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।